ऑल राइट गाइस, तो गाइस यार देख रहे हो भाई कितने ज्यादा पैसे यार बस मुझे इतने पंपकिन के मिल रहे हैं। मैं यार अल्फा को क्या ही मारूंगा, ये लोग मिलकर के यार मार देंगे भाई। लेकर तीन तीन बंदों से भाई एक अल्फा भिड़े पड़े हैं भाई। ये वाली मैच यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस एक काम करो यार, यहाँ पर जितने सारे प्लांट है इसको सबसे पहले मैं कट ही कर लेता हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं टिनकुम के एक और मजेदार एपिसोड को लेकर के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब ना गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज हम लोग यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं। और आज की जो एपिसोड है वो कुछ ज्यादा यहाँ पर स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग लाने वाले भाई अपने रियान को और इरविन भैया को। तो दोनों के दोनों को हम लोग यहाँ पर लाने वाले। फिलहाल मैं इसके अंदर देख लेता हूँ भाई, इसके अंदर यहाँ पर तीन दिन रिमेनिंग है और इसके अंदर दो दिन रिमेनिंग है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और दिन यहाँ पर वेट कर लेता, क्या पता कि एक और अल्फा यहाँ पर आ जाए और फिर मुझे एक ही बार क्रोक के मीट खा करके तीनों अल्फा को डिफीट करना पड़ जाए। तो ठीक है यार, ये यार कुछ ज्यादा ही बढ़िया प्लान है। तो फिलहाल यार अपना प्लान यही है, आज हम लोग अल्फा को मारने के लिए नहीं चलेंगे। तो अब ना गाइस हम लोग यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं वो हर एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं इससे काम करता हूँ, रियान के मैं डेट्स ले रहा हूँ उनसे। तो रियान के डेट्स कुछ ग्रीन हाउस करके था, एक बार मैं देख लेता हूँ भाई। तो आई थिंक यार ये रहे भाई, तो ये वाली जो ग्रीन हाउस की डीड्स है ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर प्लांट्स ऑफ डीड मुझे यहाँ पर मिल चुकी है और यहाँ पर जो अपने कर्ज है तो बाद में हम लोग छुट्टे वुट्टे करते रहेंगे, अभी यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब भी ना गाइस मैं आप लोग को कुछ चीजें यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेकर कुछ चीजें हैं जो कि कुछ ज्यादा इमेजिंग है। आप लोग को लास्ट टाइम याद हुआ कि हम लोगों ने 20,000 टिकट में लास्ट टाइम घड़ी खरीदी थी, बट अभी अपने पास पता है कितने टिकट है। अगर आप लोग 1 या 2,000 सोच रहे हो तो भाई आप लोग गलत हो। मेरे पास ना गाइस अभी मैं आप लोग को दिखाऊं, नहीं यार इसके अंदर मैं आप लोग को दिखाता हूं, यहां पर टोटल 13,000 से भी ज्यादा टिकट है। लेकर सोच के देखो भाई मैं इतने सारे टिकट लाया कहां से होऊंगा। तो गाइस अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ भाई साहब, यहाँ पर यार देख रहे हो भाई इनकी हरकतें शुरू है भाई। ठीक है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मैं बेसिकली लाया कहाँ से था। तो ये बैंक वाले अंकल है ना, इन्हीं की मदद से इतने सारे टिकट में ले आया था। और मैंने यार मनी के एट कोई भी टिकट बनाई नहीं है, मुझे पता है भाई मनी से टिकट बन जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लो भाई 79 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पर टिकट है। आई मीन 79 मिलियन ही कहते या फिर क्या कहते हैं पता नहीं यार, आई थिंक यार 79 मिलियन ही है। तो इतने टिकट है अपने पास और इनसे ना गाइस हमें एक माइलस्टोन मिलती है जो कि हमें 3,000 टिकट दे देती है भाई। तो इतने सारे पैसे अगर हम लोग यहाँ पर जमा करवाए ना तो यार माइलस्टोन मेरे को मिलते गई और मैंने उसे 4 बार ही कलेक्ट कर लिया। अब अगर सोच लो कि भाई कितने ज़्यादा इफेक्टिव है ये भाई। तो अभी ना गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं और भी टिकट बनाने के लिए यहाँ पर कुछ कुछ हरकतें करने वाला हूँ। और एक सेकंड गाइस, यहाँ पर अगर आप लोग मेरे घर को देखोगे तो काफी कुछ यहाँ पर कस्टमाइज मैंने करवाया भाई। लाइकर यहाँ पर मैंने 2-2 तिजोरी लगवा लिया और ये रहे भाई अपनी घड़ी, और यहाँ पर मैंने कुकिंग टेबल रखी है और यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल जो किसी काम के नहीं है बट यार अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर रख लिया है। और अगर आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सारे सामान कहाँ गए तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करने आया था वो तो यार मैं भूल गया। ठीक है यार, मैं यहाँ पर कुछ सेल करवाने के लिए आया हूँ। तो बेसिकली गाइस मुझे यहाँ पर क्या सेल करवाना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। मुझे अपने सारे पंपकिन जो वो यहाँ पर सेल करवाने की जरूरत है। और अब भी ना गाइस अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ना गाइस अपने जितने सारे सामान है ना वो मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। अपने खाने पीने के सामान मैंने इस जगह पर रखे हैं, तो मैं आप लोग को दिखाया तो कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ना गाइस मैं सारे क्रॉप्स वगैरह सब है, लाइकर जो मैं यहाँ पर उगाया करता था यहाँ पर मैं फिलहाल पंपकिन ले लेता हूँ। और इसके अंदर सारे नॉनवेज वाले नहीं, बेसिकली कह लो कि भाई जो हमें एनिमल फूड है तो बेसिकली वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। और इसके अंदर अगर मैं आप लोग को दिखा तो इसके अंदर सारे सीड्स पड़े हुए हैं और ये कैरेट की सीड भी मैंने इसी के अंदर रखवा रखे है। मतलब जो जो मैं रियाज लेता हूँ वो भी मैंने इसी के अंदर रखवा रखे। इसमें सारे फ्रूट्स वगैरह सब है जो कि हमें प्लांट हार्वेस्ट करने से मिलता है। और इसमें सारे अपने बने हुए खाने पीने के सामान है। और इसके अंदर अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो इसके अंदर घुट्टियां मतलब जो पके हुए जो मैं बीबीक्यू पे पकाता हूँ या फिर किसी और मशीन में अपने खाने पीने की चीजें बनाता हूँ। बेसिकली मैं कुकिंग टेबल छोड़ करके बाकी जिस चीज का भी यूज करता हूँ अपने खाने पीने के लिए तो वो सारे सामान ना गाइस इसके अंदर आने वाले हैं। और बाकी के जो ये दोनों चेस्ट आप लोग देख रहे हो इसके अंदर मैंने यहाँ पर वॉल पेंट फ्लोर पेंट एंड यहाँ पर फर्नीचर रखे हुए हैं। और इसके अंदर भी हम लोग वही सेम चीज रखने वाले हैं। और इसके अंदर अपने सारे कपड़े हो गए और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा है। फिलहाल ये कपड़े के का ही सेक्शन है क्योंकि यार कपड़े वाले जो सेक्शन थे ना वो यहाँ पर भर जा रहे थे बार बार, इसलिए मैंने यहाँ पर 2-2 चेस्ट बना लिया। और फिलहाल मैंने यहाँ पर अपने लिए तरबूज चलो यार तरबूज मैंने यहाँ पर ले लिया। तरबूज नहीं इसे कहते क्या भाई, पंपकिन कहते हैं। तो ठीक है यार कद्दू मैंने यहाँ पर ले लिया। वैसे हालांकि मेरे यहाँ इसे कद्दू नहीं कहते यार, इसे कुछ तो कहते हैं भाई। अगर आप लोग को आइडिया ना तो आप लोग यार कमेंट बताना, मतलब यार काफी कॉमन सा नाम है मैं यार भूल रहा हूँ। तो ठीक है यार फिलहाल मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। इसके अंदर सारे लकड़ी वगैरह सब है जो हमें प्लांट हार्वेस्ट
करने से मिलते हैं, तो वो सारी चीजें बेसिकली इसके अंदर है। और इसके अंदर ना गाइस प्लांट्स में जो चीजें बनते हैं तो वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर रखवा रखे हैं। और इसके अंदर अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसके अंदर अपने इंजन वगैरह सब जो अपने मैकेनिकल पार्ट है बेसिकली वो है। और इसके अंदर फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, बट धीरे धीरे करके हम लोग इसे भी यहाँ पर भर लेंगे। इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। अब मैं आप लोग को यहाँ से दिखाता हूँ, तो यहाँ से ना गाइस जितने सारे मेटल वगैरह सब है तो बेसिकली मेटल को पत्थर को सबको मैंने इसी के अंदर रखवा रखे हैं। और इसके अंदर अपने मेटल पत्थर वगैरह सबसे जो जो चीजें बनती है वो सारी चीजें इसके अंदर है। और इसके अंदर फिलहाल यहाँ पर अपने जितने सारे वेपन वगैरह सब है जो जो मैं यहाँ पर फिलहाल यूज क्या करता हूँ तो वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर रखवा रखे हैं। और इसके अंदर भी वही सारी चीजें हैं। और बाकी जो चेस्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, तो इसके अंदर हम लोग जो जो चीजें खराब हो जाएगी ना तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर रखवाने वाले हैं। तो बेसिकली उसे हम लोग दोबारा से रिपेयर कर देंगे, तो सीन कुछ इस तरीके का होगा। और गाइस मैं आप लोग को और चीजें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, काफी लाइकर कमाल की चीजें हुई अपने साथ। और मैं आप लोग को बता दूं अपने पास यहाँ पर 8 ओपल हो चुके हैं। और अभी ना गाइस मैं एक और अल्फा वेपन बनवा सकता हूँ, बट यार टेड सेल यार मुझे उसका कोई अता पता नहीं है, वो भाई कहीं ना कहीं भी घूम रहा होगा। फिलहाल यार फ्रैंकलिन हमें यहाँ पर अपने लिए कुछ भिजवाए यार, तो ठीक है बॉम इन्होंने भिजवाए थे जो कि मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किए थे। तो फटाफट से मैं इसके अंदर बैठता हूँ और सीधे ना गाइस मैं चल रहा हूँ भाई जिमी के पास। और एक बार देख लेते भाई जिमी आखिर आया कहाँ पर है। तो गाइस जिमी कुछ इस वाले लोकेशन पर आ रखा है, तो चलो यार अच्छा भाई ये किनारे किनारे पर आ रहा है, तो अपने लिए यार कुछ ज्यादा ही सही सीन है। तो ठीक है फटाफट चलते भाई जिमी के पास। और गाइस एक बात मैं आप लोग को बता दूं ना, तो यार ये जो पम्पकिन है वो ना गाइस बाकी सारी चीजों के मुकाबले यार कुछ ज्यादा ही महंगे बिकती है। और अगर हम लोग इसे यहाँ पर जिमी को दे दिए ना, तो आप लोग सोच लो भाई हमें कितने ज्यादा पैसे यहाँ पर मिलने वाले, लाइक यार मिलियन से भी, मिलियन तो क्या मिलियन मतलब यार 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसे अपने को मिल जाएंगे। एक बार मैं इसे यहाँ पर सेल करवा करके ही देख लेता हूँ, क्या पता कि मैं खामे का भाई ख्वाब देखे जा रहा हूँ। तो ठीक है यार मुझे यार मेरी एस्टिमेशन है भाई 10 मिलियन तो मिल जाएंगे। और इतने सारे पैसे भी मैं क्यों जमा कर रहा हूँ वो हर एक चीज मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। और गाइस यार आप लोग में से कई लोग ऐसे हो जो कि यार मुझे ये कमेंट करते हो कि मैं अपने पैसों से टिकट बनवा सकता हूँ, तो देखो यार मुझे पता है मैं पैसों से टिकट बनवा सकता हूँ, बट यार मैं बनाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यार 500 रुपये के यार एक टिकट देते भाई, तो ठीक है यार मतलब यार मैं यार 500 रुपये यार बस एक टिकट के नहीं देना चाहता हूँ। तो अब यार ये कमेंट बिल्कुल मत करना कि मैं अपने पैसों से टिकट नहीं बना रहा हूँ, तो मुझे पता है बेसिकली, बट यार मैं बनाना नहीं चाहता। तो ठीक है चलते भाई इसके अंदर में, और जिमी यहीं पर है। तो ठीक है यार अभी ना मुझे जिमी से बात करनी है। और एक सेकंड यार यहाँ पर यार कुछ चीज़ें चेंजिंग भी नहीं यार, चेंजेस नहीं है। फिलहाल मैं इनसे यहाँ पर बातें कर लेता हूँ और इनको उनका ये मैं सेल करवा देता हूँ। ऑल राइट भैया तुम एक काम करो, तुम पम्पकिन ले लो और बता यार इसके कितने पैसे दोगे। ऑल राइट गाइस, तो गाइस यार देख रहे हो भाई कितने ज़्यादा पैसे यार बस मुझे इतने पम्पकिन के मिल रहे हैं। तो गाइस यार मैंने 10 मिलियन का टारगेट किया था, बट यार मुझे यहाँ पर 20 मिलियन मिल रहे हैं। तो भाई साहब यार ये भाई इनक्रेडिबल चीज है भाई। और मैंने कहा यहाँ पर सारे पम्पकिन को इसीलिए बेच रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो सीजन यहाँ पर आएगी ना, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा पम्पकिन उगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं सो रहा भाई पम्पकिन का यहाँ पर मैं पैसे वैसे बना लेता हूँ, इनको ना कहा बैंक में जब डिपोजिट करवा देंगे ना तो उससे हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लाइक मैं आप लोग को बताऊँ तो मुझे टिकट के यहाँ पर प्रॉफिट होने वाली है। फिलहाल मैं काम करता हूँ, मैं चलता भाई सीधे बैंक में, और पता नहीं यार ये लोग भाई बैंक वगैरह कभी भी बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है भाई। यहाँ के जितने सारे माइलस्टोन है ना मैं सारे यहाँ पर लेट कर लूंगा। अब आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पर टिकट की कुछ जरूरी भी है क्योंकि यार मेरे पास जितने सारे लाइसेंस वगैरह सब थे ना वो तो मैंने यहाँ पर परचेज कर लिए हैं, और जितने सारे सामान भी इनसे मिलते वो भी मैंने यहाँ पर परचेज कर रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। फिलहाल यहाँ पर मुझे जबकि टिकट की जरूरत है नहीं तो मैं ज़्यादा टिकट पर अभी उतना ध्यान देने वाला हूँ नहीं, बट हाँ मैं बुलेटिन बोर्ड के जो क्वेस्ट वर्ड है वो मैं यहाँ पर जरूर कलेक्ट करने वाला हूँ। और गाइस अपने रेड वाले फ्लावर यहाँ पर पूरे पूरे आ चुके हैं, तो अभी ना गाइस मुझे इसे हार्वेस्ट करके, हार्वेस्ट वैसे बेसिकली करना नहीं है, बेसिकली मुझे इसे कट करके नहीं यार मैं इसे ऑफलाइन कर लूंगा अभी यार, ये सारी चीज़ें नहीं करूंगा। बेसिकली मुझे इसके बीज ही यहाँ पर लगाने थे वो मुझे इसी को कट करने से मिलने वाले। तो फिलहाल मैं यहाँ पर चलता हूँ और बैंक वाले अंकल को ना यहाँ पर मैं 10 मिलियन एटलीस्ट 10 मिलियन नहीं देखते भाई, अब मैं यार फिलहाल के लिए 5.5 जमा करवा रहा हूँ। तो अपने पास जो यहाँ पर 25 मिलियन से भी ज़्यादा पता नहीं यार कितने भी है मैं 5.5 यहाँ पर जमा करवा देता हूँ। और अभी अपने को इसके माइलस्टोन यहाँ पर मिल चुकी है, फटाफट से गाइस यहाँ से मैं माइलस्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेता हूँ। और गाइस इससे ज़्यादा माइलस्टोन मुझे यहाँ पर नहीं मिलने वाली है क्योंकि यार ये भाई इसका लास्ट था। तो ठीक है यार फिलहाल मैंने यार जितने पैसे यहाँ पर जमा करवाए ना वो मैं यहाँ से 5.5 निकाल रहा हूँ यार, क्योंकि यार फिलहाल यार इसका यहाँ पर कोई काम जबकि है नहीं। देख रहे हो भाई लिटरली यार मेरे पास यार 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा है भाई, नहीं यार 100 करोड़ नहीं है भाई, ये देखते हैं भाई कितने हैं। तो गाइस यार मेरे पास यार लिटरली यहाँ पर 100 करोड़ है, लाइक अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो 1 अरब पैसे अपने पास यहाँ पर हो चुके। तो मैंने कहा यहाँ पर विड्रॉ कर लेता हूँ, मैं 5.5 पैसे यहाँ से विड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यार मैं भाई इसके अंदर नहीं रखवाने वाला भाई। अब यार बैंक हमने किसी काम का नहीं है, बेसिकली ये अपने ये क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए ही था,
तो ठीक है यार, बेसिकली जब अपना क्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो मुझे यार कोई इशू नहीं है भाई, मैं यार यहाँ पर क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवा लेता हूँ। और गाइस, ओपल फार्म करने के ना यहाँ पर एक और रास्ते है, अगर मैं इसके अंदर अपने पैसे को डालूँ ना तो मैं भी यार ये कभी कभी यार ओपल दे देते हैं। तो मुझे ना इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा और मुझे इसके अंदर यार दबा करके चीज़ें यहाँ पर डालने की जरूरत है। तो मैं काम करूँ यार, मैं डाल दूँ या फिर छोड़ दूँ यार? मैं काम करता है, मैं डाल ही देता हूँ लगे हाथ। एक काम करते हैं, मैं अपने बैंक से ना कितने पैसे 10,000 एटलीस्ट मैं इनके लिए रखता हूँ भाई, तो बगल में मैं एक चेस्ट बना करके रख दूंगा और जितने सारे पैसे हैं ना वो मैं इसके अंदर हर रोज डालूंगा यार। तो 10,000 एटलीस्ट मैं यहाँ पर अलग से रख लेता हूँ और बाकी के ना गाइस हम लोग यहाँ पर यूज में लाने वाले। फिलहाल मुझे यहाँ पर सारे पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे और 10,000 मुझे बस यहाँ से निकलवाने हैं और सारे कॉइन को मैं ले जाकर के इसके बगल वाले चेस्ट में रखवा दूंगा तो कोई सी प्रॉब्लम होगी नहीं। और एक सुनिए, दादी माँ के भी घर के अंदर यहाँ पर एक चेस्ट भी करती है तो वहाँ पर ना गाइस हम लोग चाहे तो यार उसके अंदर भी रखवा सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग वहीं करेंगे। बस मुझे यहाँ पर 10,000 चाहिए, ज़्यादा मुझे यहाँ पर चाहिए नहीं। ऑल राइट, बस मैं इतने पैसे यहाँ पर ले लेता हूँ और अपने सारे सारे कॉइन जो है वो मैं दादी माँ के घर के अंदर रखवा दूंगा, क्योंकि इसके पास भी एक तिजोरी है तो भाई वाई नॉट यार, हम लोग इसका यूज़ तो करने ही वाले हैं। वैसे यार दादी माँ काफ़ी यार प्यारी है भाई, वो अपने सामान यहाँ पर लेती नहीं है। तो गाइस यार ये रहा भाई वो तिजोरी। ऑल राइट गाइस, इसके अंदर तो यार काफ़ी कुछ है भाई पहले से। ठीक है यार, ये सारे सामान मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यार मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई यहाँ पर इतने सारे सामान मेरे को देखने के लिए मिल रहे हैं। चलो यार कोई नहीं यार, फिलहाल मैं यहाँ पर जितने सारे पैसे हैं वो मैं यहाँ रखवाता हूँ और लगे हाथ ना गाइस मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यार इसके अंदर पैसे। तो ठीक है यार, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और ये जो पैसे हैं ना वो मैं इसके अंदर फिलहाल के लिए डाल दे रहा हूँ और कल हमें कुछ ना कुछ देखने के लिए इसके अंदर से मिल जाएंगे। यानी तो मैं 2-4 यार ये वाली मशीन अगर मैं बना लिया ना, बस एक सेकंड यार, अपने पास बचे कितने भाई? 5,000 बचे हैं। ऑल राइट, मतलब यार अगर मैं यहाँ पर 5,000 दूँ ना, मतलब 500 अपना काम यहाँ पर होगा नहीं, तो मुझे इसके लिए भाई 1,00,000 से भी ज़्यादा पैसे यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ठीक है यार, मैं यहाँ पर 1,00,000 यार दे देता हूँ यार, एटलीस्ट यार 10 दिन नहीं तो यार ये 2 ही दिन में यार ऐसे ख़त्म सी हो जाएगी। मैं काम करूँ यार, 1,00,000 से ज़्यादा मैं 10,00,000 यार क्यों ना जमा करवा लूँ। देखता हूँ यार मैं कितने यहाँ पर ले सकता हूँ, वैसे पैसों की तो यहाँ पर फिलहाल का कोई कमी है नहीं। तो चलो गाइस, फिलहाल मैंने यहाँ पर 1,00,000 रुपये यहाँ पर ले लिए हैं, तो अभी गाइस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ें थी वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और अभी निकल सारे सारे पैसे मुझे अपने इन्वेंट्री के अंदर ही रखवाने पड़ेंगे, क्योंकि यार मैं बैंक में यार रखवाना नहीं चाहता। भले ही मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिलते हैं बट यार काफ़ी नेग्लिजिबल है भाई, मतलब यार उतने में यार अपना काम कुछ होने वाला है नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर इनके पास जितने सारे पैसे हैं वो मैं यार इनसे ले रहा हूँ। तो चलो गाइस, फिलहाल मैंने इनसे सारे सारे पैसे ले लिए हैं। अभी यार पैसों का यार कोई पंगा नहीं है, हम लोग यार जितनी मर्जी चाहे उतनी यार यहाँ पर शॉपिंग व्हाट्सअप कर सकते हैं दबा करके, तो कोई इशू होने वाला है नहीं भाई। तो फिलहाल यहाँ पर यार कुछ चीज़ें है भाई जो कि यहाँ पर रेंग रही है। चलो यार, ये मकड़ी अपने पास यहाँ पर पहले से पड़ी हुई है और अभी मैं आप लोग को और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, लेकर मुझे यहाँ पर ऑफलाइन क्या क्या मिले थे। सबसे पहले मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पर अपने को नई वाली वॉल मिली है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक बैग ऑफ सीमेंट लगता है। ये ना गाइस बेसिकली कोबल स्टोन फेंस है और मुझे यार काफ़ी प्यारे लगे भाई, इसका यार यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं बट अभी नहीं। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्रेंड के पास चलता हूँ और देखते भाई क्या और भी ये रेसिपी बेच रहा है या फिर नहीं बेच रहा है, क्योंकि यार जैसे कि मुझे लग रहा है ना भाई यहाँ पर यार कुछ नई नई रेसिपी आई है जो कि यार अभी तक मैंने यहाँ पर चेकआउट किए नहीं है। तो फिलहाल यार चलते भाई इसके पास और देखते भाई इसके पास कोई रेसिपी अगर मुझे मिल जाए। ऑल राइट गाइस, कुछ नई चीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है भाई। ये ना गाइस एक वुडन फ्लैग है। ऑल राइट यार, दे दो यार कोई नहीं यार। चलो यार मुझे यहाँ पर एक वुडन फ्लैग की रेसिपी मिल चुकी है। मुझे यार कोई आइडिया नहीं था कि ये वाली रेसिपी यहाँ पर यार ये देगा भाई। तो चलो यार फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे ले लिया ना और अगले दिन हम लोग दोबारा आकर के चेक करने वाले हैं क्या हमें और भी रेसिपी यहाँ से मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो ठीक है, इतना काम ना यहाँ पर हो चुका है और अपने का चलते भाई काम की ओर, क्योंकि यार काफ़ी वक्त हो गया, अभी तक यार मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जितने सारे फालतू के सामान है वो यार ये वाले चेस्ट के अंदर रखवाने पड़ेंगे। इसमें ना बेसिकली मैं एंटीक एंटिक चीज़ें रखवा रहा हूँ और अपने सारे सारे फालतू के भी सामान यहाँ पर मैं रखवा रहा हूँ, जैसे ये बॉम्ब वगैरह। बॉम्ब को मैं यहाँ पर रखवाता हूँ, ये भी मैं ले लेता हूँ और ये भी मैं यहाँ पर रखवा दे रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें यार अपने चेस्ट के अंदर ही जाने वाले हैं। ठीक है यार, चलते भाई फटाफट से इसको मैं चेस्ट के अंदर रखवा देता हूँ। ऑल राइट गाइस, फिलहाल यहाँ पर जितने भी सारे अपने पास आइटम थे उन सब को मैंने अपने अपने चेस्ट में रखवा दिया और अब भी नगद यहाँ पर मुझे क्या करने है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले नगद यहाँ पर एक फ्रॉक के स्किन भी है वो मुझे यहाँ पर रखवा देनी है। तो ठीक है यार, यहाँ पर मैंने इसे भी रखवा दिया हूँ और अभी मुझे यहाँ पर चाहिए भाई पामवुड के पात। तो पामवुड के पात नगर हम लोग चलेंगे भाई उनके घर को डेकोरेट करने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ भाई, यहाँ पर नगर हमें काफ़ी सारे पामवुड के पात यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो पामवुड के पात यहाँ पर 92 पड़े हुए यार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई,
तो फिलहाल अगर इसका जो पैटर्न यहाँ पर होने वाला है वो यहाँ पर बाकी तो ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है। बेसिकली मैं यहाँ पर पाम वुड के पास और गम वुड के ही पास यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो यार मैं हर एक घर में यार यही तो पाथ यूज किया हूँ फिलहाल के लिए। और यार यहाँ पर मैं खाना पीना मस्त खा लेता हूँ और उड़ करके यहाँ चलते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये मैंने यहाँ पर रियान के लिए बना रखा है, और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर आप लोग नीचे देख रहे हो तो ये बेसिकली इरविन के लिए है। तो अभी ने कहा मेरे पास जितने सारे पाम वुड के पाथ है ना वो मुझे यहाँ पर लगाने की जरूरत है, क्योंकि यार मुझे रियान के घर को जबकि यहीं पर बनाना है तो फिर मुझे इसे यहाँ पर कंप्लीट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जितने सारे हो पाते हैं उनको ना गाइस हम लोग इस वाले पास से कवर करने वाले हैं, और बाकी के जो नीचे के साइड पर आप लोग देख रहे हो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं भाई अपने गमवुड के पास से। तो ठीक है, इस तरीके से काम यहाँ पर होने वाला है। तो फटाफट से मैं इसको यहाँ पर कवर अप कर लेता हूँ। तो चलो गाइस फिलहाल मैंने इसे यहाँ पर कवर अप कर लिया, और अभी ना गाइस देख लो भाई कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। वैसे यहाँ की सीढ़ियां बच चुकी है तो इसे भी ना गाइस मुझे यहाँ पर कवर अप करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे कवर तो कर दिया, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर मैं सीढ़ियां भी एक काम करूँ यार, मैं इसे इसी तरह छोड़ दूँ या फिर स्टेयर में लगा दूँ। वेल मैं सो रहा भाई, चलो यार नहीं यार मैं यहाँ पर स्टेयर लगा दूंगा। और अभी ना गाइस मुझे यहाँ पर ये डेट्स को लगाने की जरूरत है। तो फिलहाल अपनी जो डेट्स है वो कुछ इस वाले जगह पर लगने वाली है, कुछ इस वाले डायरेक्शन में एक सीढ़ी यार। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी यहाँ पर नहीं हो गई है लाइक यार, देख रहे हो यार मुझे यार कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। तो ठीक है यार, मतलब रहने देते यार इतनी ही बड़ी यहाँ पर ठीक ही रहेगी। वैसे यार कुछ ज़्यादा ही बड़ी है भाई, मतलब बड़ी नहीं बस थोड़ी सी यहाँ पर जगह एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो ठीक है रहने देते भाई, हम लोग वहाँ पर डेकोरेशन का काम कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया, और अभी यार कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर तो यार फिलहाल यहाँ पर कुछ चाहिए नहीं, और मुझे यहाँ पर चाहिए भाई गमवुड के पाथ। तो गमवुड के पाथ में फटाफट से ले आता हूँ, और अभी निकल पामवुड के जो पाथ है वो अपने पास काफ़ी कम ही बचे हुए हैं और मुझे कट करने की भी ज़रूरत है। लेकिन यार फिलहाल यहाँ पर मुझे पामवुड के पाथ की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं आप लोग को बता ना तो पामवुड का जो पाथ का काम था वो अपने यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, और गमवुड की जो प्लैंक है वो अपने पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मैं चाहूँ तो यार उससे पाथ भी मैं यहाँ पर बना पाऊँगा। वैसे प्लैंक भी यार कम ही है, सिट यार दिक्कत हो गई भाई। तो कोई नहीं यार, फिलहाल मैं यहाँ पर इसे रख देता हूँ। और आई थिंक यार मेरे पास यार ये, हाँ यार ये तो है भाई, तो ठीक है लॉग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कमी पड़ेगी तो मैंने कहा इसका यहाँ पर प्लैंक बना लूँगा, और प्लैंक से हम लोग यहाँ पर पाथवेज वगैरह सब बना लेंगे तो कोई इशू होगा नहीं। और गाय देखते ही देखते यहाँ पर रात भी हो चुकी है, लेकर उतनी भी तो नहीं हुई है बट यार फिर भी यार अच्छी खासी शाम यहाँ पर हो चुकी है। तो मुझे इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना, वैसे ध्यान रखने की कोई जरूरत है नहीं, जैसे यहाँ पर रात होती है भाई मैं तो सो ही लेता हूँ। तो चलो गाइस इसको हम लोग यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और पूरे में इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। वैसे अगर मैं चाहूँ तो यार सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग करके देखूँ, फिर मैं यहाँ पर सौ वगैरह सब कर दूंगा। एक काम करते सौ भी मैं लगे हाथ कर ही लेता हूँ भाई, हम लोग यार बार बार क्या ही जाएंगे क्राफ्टिंग करने के लिए। तो चलो गाइस फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी सारे अपने पास गमलोग थे उनके हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैंक बना लिए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं देख लेता हूँ भाई पास बनाने के लिए हमें कितने कितने क्या क्या लगने वाले हैं। ऑल राइट, बस यहाँ पर ब्लैंक ही चाहिए होते हैं तो कोई इशू है नहीं भाई, फटाफट इसको मैं बना लेता हूँ जितने मेरे से हो पाते हैं। और राइट गाइस डन, फिलहाल मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाथवेज बना लिया है, और आई डोंट थिंक इतनी की भी हमें यहाँ पर ज़रूरत थी। तो ठीक है यार चलते भाई, अब देखते हैं क्या इतने में अपना काम वैसे हो तो जाएगा, अपने पास इनफैक्ट एक्स्ट्रा ही बच जाएंगे। तो फटाफट से यार चलते भाई, इसको यहाँ पर जो काम है यहाँ का वो हम लोग यहाँ पर कम्प्लीट कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, फिलहाल यहाँ के पाथवेज के जो जितने सारे काम थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, और लिटरली अपने पास यहाँ पर बस पांच ही पाथ बचे हुए। लेकिन पता है एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर हो चुकी है, अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो रियान के जो घर थे ना वो यार मुझे इस वाले डायरेक्शन में यार नहीं बनाने थे, जो कि यार अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। मतलब यार मैंने जगह तो सही डिसाइड की बट यार डायरेक्शन मैंने गलती कर दी भाई डायरेक्शन में। तो ठीक है यार, आज आई थिंक यार इतना काम यहाँ पर अपना कंप्लीट हो चुका है, बाकी के जो काम है ना वो हम लोग करने वाले यार कल सुबह। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, और कल सुबह मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो चलो गाइस फिलहाल यहाँ पर हो चुके प्यारी सुबह, और आई थिंक यार अब तक यहाँ पर रियान आ चुके होगी, बट यार मेरे मिस्टेक के कारण यार मैंने उसके घड़ी ही यहाँ पर गलत बना दिए। तो ठीक है यार, उसे हम लोग यहाँ पर ठीक कर लेंगे। बाकर जबकि रियान अपनी यहाँ पर है ना, तो एक बार मैं इसके अंदर नहीं यार, इसके अंदर मैं जा नहीं सकता। बाकर ये सोच रहे भाई ये मैं कहाँ आ गई। तो ठीक है यार, फटाफट से मैं दादी माँ से बात कर लेता हूँ, और इरविन के जो घर है ना वो भी मैं उनसे यहाँ पर मांग लेता हूँ। और इसके अंदर भाई मुझे क्या मिले हैं भाई, और लेट बेसिक पिकेक्स यहाँ पर मिले हैं। ठीक है यार, और भी पैसे अगर अपने पास है तो मैं यहाँ पर दोबारा से डलवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बस मुझे हर रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलते रहने चाहिए, मे भी अगर किसी दिन ओपल मिल जाए तो अपने लिए काफ़ी सही बात रहेगी। तो अभी निकल मैं सोड़ा भाई दादी माँ से ना चल करके इरविन के भी यहाँ पर बार्न के ड्यूट्स में ले लेता हूँ, और रियान के नगायत मुझे घर को यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है, तो मुझे यार तीन चार दिन यहाँ पर स्किप करने की ज़रूरत है। तो चलो गाइस फिलहाल मैंने दादी माँ से यहाँ पर इरविन के भी बार्न के
डेट्स ले ली हैं, तो फिलहाल लगा है मुझे यहाँ पर चलना है, और इरविन के ना बांध को मुझे कुछ इस वाले जगह पर लगाने, कुछ इस वाले डायरेक्शन में, तो ठीक है ये तो यहाँ पर परफेक्टली आ रहे हैं, तो फिलहाल मैं यहीं पर इसे लगा दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेट लग जा भाई यहाँ पर, और रियान के ना घर को कुछ कुछ मुझे इस तरीके से यहाँ पर घुमा करके रखने चाहिए थे, बट यार ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। तो फिलहाल मैं काम करूँ यार, मैं चल करके सो जाता हूँ, वैसे एक बार मैं इसके अंदर देखूँ तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आ रखी होंगी, अगर नहीं आ रखे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो यार फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रखे हैं। और एक सेकंड गाइस, मुझे चल करके अभी बुलेटिन बोर्ड को भी देखना पड़ेगा, क्या पता कि यार अभी अपने को एक अल्फा मारने की क्वेस्ट आ रखी होगी, तो अपने लिए कुछ ज़्यादा ही सही बात हो जाएगी, वरना यार कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम लोग आराम से उसे यहाँ पर मारते रहेंगे। तो चलो गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पर जितने सारे अपने वाटरमेलन थे उसको मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, और अभी इसके अंदर देखते हैं भाई। नहीं यार यहाँ पर यार कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, इसे यहाँ पर एक मीट चाहिए वो मैं दे दूंगा, इसके लिए यहाँ पर 2 दिन बाकी है, इसके लिए यहाँ पर 4 दिन बाकी है, इसके लिए भी 2 दिन, और ये भाई लास्ट डे, इसका मतलब अभी मुझे यहाँ पर चल करके अल्फा को हंट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है यार चलते हैं भाई फटाफट से अपनी क्रोक के मीट। नहीं यार मुझे यहाँ से, मुझे यार बार बार याद रखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से नहीं लेने हैं, अब ना गाइस मुझे, मेरे पास यार क्रोक के मीट अपने पास हाथ में ही पड़े हुए हैं, तो मैं उसे यहाँ पर पका लूँगा, इसलिए मैंने गाइस यहाँ पर क्रोक के मीट अपने हाथ में ही लेकर ही चलता हूँ, क्या पता यार कब इसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। और अब मैं अपने पास यहाँ पर देख लो भाई कितने सारे क्रोक के मीट पड़े हुए हैं, लेकर देख रहे हो यार, मुझे खुद नहीं पता। हाँ यार मुझे पता है भाई, अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो जब मैं केव के अंदर गया था ना तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल गए थे, तो ठीक है यार ये मैं यहाँ पर ले लिया, इसे फटाफट से मैं खा लेता हूँ और चलेंगे भाई, अपने अल्फा वेपन अपने पास यहाँ पर रेडी है, तो अपने कहते अपने अल्फा वेपन से हम लोग चलेंगे भाई अल्फा मारने के लिए। ऑल राइट गाइस फिलहाल यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो फिलहाल लगा मुझे देखना भाई अल्फा है कहाँ कहाँ पर, एक अल्फा यहाँ पर है, तो चलते भाई सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर मार करके आता हूँ, और बाकी नगर एक अपने पुराने वाले घर के ही पास है, तो फिर हम लोग उसे भी यहाँ पर मारने के लिए चलेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग इस लोकेशन पर आ चुके हैं, और भाई साहब मैं यार अल्फा को क्या ही मारूंगा, ये लोग मिल करके यार मार देंगे भाई, लेकर 3-3 बंदों से भाई एक अल्फा भिड़े पड़े भाई, ये वाली मैच यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई साहब, तीनों भाई भसड़ मची पड़ी है, मतलब आई मीन चारों में यहाँ पर भसड़ मची पड़ी है, फिलहाल एक यहाँ पर कमजोर हो चुका है, बाकी यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, और एक भाई यहाँ पर लुढ़क चुका है भाई, मुझे लड़ा भाई क्यों लड़ा भाई ये अल्फा ना गाइस तीनों को भाई यहाँ पर निपटा देगा भाई, ये भाई कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है भाई, मतलब लिटरली मुझे मेरी यार अल्फा जुगाड़ों से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर फटती है। तो क्या इधर, नहीं यार इन्होंने भाई अल्फा को मार दिया भाई, काफ़ी सही है भाई, फिलहाल मैं यहाँ चलता हूँ, और यहाँ पर जितने सारे इसके मीट वगैरह सब है वो भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और गाइस ये लोग भाई यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो चुके होंगे, तो मैं यार इनको भी क्यों ना यहाँ पर निपटाते चलो, चलो यार मुझे यार इसको निपटाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं भाई, लेकर इन्होंने यहाँ पर निपटा दिया भाई इनको, और एक अल्फा आई मीन अल्फा नहीं एक बूस्ट डेविल भाई यहाँ पर आया था, और भाई साहब यार ये देख लो भाई हरकतें देख लो भाई, इसे यार पकड़ते पकड़ते भाई कहाँ तक निकल लिया भाई, तेरी भैंस की आँख छोड़ उसे, निकल तेरी भैंस की आँख यहाँ से। ठीक है फिलहाल मैंने इसे भी यहाँ पर निपटा दिया, वैसे यार ये कमज़ोर तो हो चुका था, अभी मैं देखता हूँ भाई अपने पास यहाँ पर 4-4 प्राइम मीट मिल चुके हैं, काफ़ी फ़ायदा हो गया भाई यहाँ आने का, तो चलो यार मैंने ये वाले अल्फा को, वैसे मैंने तो नहीं मारी इत्तेफाक से भाई ये यहाँ पर मर चुका, बट एक सेकंड मैंने अपनी हेलीकॉप्टर कहाँ पर छोड़ दी भाई, और लेट यहीं वाले लोकेशन पर मैंने छोड़ रखी है, चलो लेट फटाफट से मैंने हेलीकॉप्टर को भी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो क्या यार ये रहे भाई अपने हेलीकॉप्टर, फटाफट से चलते भाई उड़ करके, और अभी नगर मैं चलने वाला हूँ भाई यहाँ पर, और यहाँ पर नगर देखते भाई किसके किसके बीच में यहाँ पर भसड़ मची पड़ी होती है, लेकर एक तो भाई अपने सस्ते में यहाँ पर निपट गया, मुझे ज़्यादा कुछ करने की मतलब लगभग कुछ करने की ज़रूरत ना ही पड़ी। और राइट गाइस डन, फिलहाल मैंने इसे यहाँ पर स्पॉट कर लिया है, और अभी ने गाइस मुझे अपने हेलीकॉप्टर को काफ़ी ज़्यादा सही जगह पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यार ये भाई अपने हेलीकॉप्टर को तोड़ देते हैं, और मैं भाई यहाँ पर ढूंढते रह जाता हूँ कि भाई अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर गए कहाँ पर। ठीक है अब मुझे ये दे दो, और निकालने भाई मुझे अपने अल्फा स्पेयर, अब इसकी बेटा तेरी ऐसी तैसे करता हूँ, इधर आ जा भाई। नहीं यार इनके इनसे बचना है भाई, बाकी तो ये भाई यहाँ पर ढेर हो जाएगा भाई, काफ़ी यार प्रेम से भाई, बस मुझे इनके ऊपर से उतरने नहीं है भाई, निकल इसकी भैंस की आँख। चलो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई, आराम से निपटा देंगे, आराम से मार खा लियो भाई, बस मेरे को गिरा ना दियो। चलो फिलहाल मैंने इसे काफ़ी प्रेम से भाई निपटा दिया, और इसके मुझे यहाँ पर अल्फा स्किल, बट यार मुझे ज़्यादा अल्फा स्किल की ज़रूरत है नहीं भाई फिलहाल, क्योंकि अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो यार मेरे पास कुछ ज़्यादा यहाँ पर अल्फा स्किल हो रखे हैं, और कह ये ट्रेजर यार मैं जहाँ भी जा रहा हूँ भाई वहाँ पर मेरे को मिल जा रहे हैं, आई डोंट नो इसके यहाँ पर क्या चक्कर है। और कह ना फार्म के बगल में भाई ये अल्फा आ रखा था, देख रहे हो भाई कहाँ कहीं पर भी आ जाते भाई ये लोग,
दूसरा तो कोई इशू है नहीं भाई, मतलब देख रहे हो भाई, अपने लिटरली अपने घर के बाजू में ही था। तो अब ना गाइस आई थिंक यार मुझे यहाँ पर सो जाना चाहिए, क्योंकि यार अभी फिलहाल तो मैं कुछ यहाँ पर कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि रियान के घर मैंने यहाँ पर थोड़े से गलत बना दिए हैं, तो ये यार एक पंगा हो गया भाई। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी हेलीकॉप्टर को लैंड करवा देता हूँ और चलते भाई सीधे हम लोग यहाँ पर सोने के लिए। सो गाइस और फाइनली यहाँ पर हो चुके प्यारे सुबह, फिलहाल इसके अंदर यहाँ पर कुछ आने के लिए बचा नहीं है। ए मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर ना गाइस मैं दादी माँ से बात करने से पहले मैं यहाँ पर इनके कर्जे चुट्टे कर देता हूँ, क्योंकि यार ये मेरे को यहाँ पर चाहिए नहीं। और गाइस अब यार सीजन यहाँ पर बदलने वाला है भाई, ये भी यार अलग ही पंगा भाई। मैं नहीं चाहता था भाई यहाँ पर सीजन अभी कभी यहाँ पर बदल जाए, क्योंकि यार फिर मुझे यहाँ पर कुछ और लगाने की जरूरत पड़ने लग जाएगी। चलो यार कोई नहीं यार, फिलहाल मैं देखता हूँ अपने पास अगर कुछ होंगे तो ठीक है, वरना यार मैं रियान से यहाँ पर परचेज भी नहीं कर सकता, क्योंकि यार आज यार फ्राइडे है भाई। तो काम करो दादी माँ, मुझे रियान के यहाँ पर डेट्स दे दो। ऑलराइट गाइस मैंने यहाँ पर इनके डेट्स ले लिया, मैं देख रहा भाई, और अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पर यार मैं दोबारा से लगा भी नहीं सकता। और फिलहाल यहाँ पर इडविंस आ चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देख रहा भाई भैया यहाँ पर आ चुके हैं, तो रहने दे भाई इनको। और अगर मैं ये वाले डेट्स को यहाँ पर लगाना चाहूँ ना तो आई थिंक यार मैं लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो यार ये ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो दिक्कत है भाई। तो फिलहाल मैं अपने प्लांट के डेट को यार कहाँ पर लगाओ, मैंने कहा मुझे यार कहीं ना कहीं यहाँ पर लगानी पड़ेगी यार, फिजूल में यहाँ पर लगानी पड़ रही है भाई, जबकि मैं यहाँ पर लगाना नहीं चाहता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फिलहाल मैं यहीं पर लगाता हूँ, क्या ही दिक्कत है भाई। और एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पर यार एक मगरमच्छ भी आ रखा है भाई, देखना भाई उन दोनों के फाइट में ना मगरमच्छ भाई मगरमच्छ नहीं जीतेगा भाई, ये जो पता नहीं यार इसे कहते क्या है भाई, बट यार यहीं जीतेगा भाई, मुझे डेफिनेटली पता है भाई। तो फिलहाल मैं रियान को घर को यहीं पर लगा देता हूँ। अब यार दोबारा से मैं चल करके सो जाता हूँ, क्योंकि यार जब तक मैं इनके घर को यहाँ पर प्रॉपर जगह पर लगाऊंगा नहीं ना, तब तक यार अपने को यहाँ पर प्रॉब्लम ही आने वाले हैं, मैं यार इसके आगे काम यहाँ पर कर नहीं सकता हूँ, और इन दोनों को यहाँ पर अपना मस्त खेलते कूदते रहने देंगे भाई। तो चलो गाइस फिलहाल यहाँ पर हो चुके प्यारी सुबह, और अब भी ना गाइस मुझे यार दादी माँ से डेट्स लेने भाई रियान के दोबारा से, क्योंकि वो अब तक वहाँ पर शिफ्ट हो चुकी होगी, तो फिर मुझे यहाँ पर इनके डेट्स ले जाकर के इनके सही जगह पर से लगाने की जरूरत है, क्योंकि यार पहले तो मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी तो दिक्कत हो गई थी भाई। ऑल राइट गाइस, तो प्लांट शॉप के डेट मुझे यहाँ पर दोबारा से मिल चुके हैं, और अब ना गाइस इस बार मुझे काफ़ी तमीज भाई इसके सही जगह पर मुझे लगाने की जरूरत है। फिलहाल मैं इसके अंदर देख लेता भाई, इसके अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ आ रखे होंगे, तो वो भी मैं यहाँ पर चाहूँगा भाई कंप्लीट अल्फा जुकारू। ऑल राइट, तीन दिन बाकी है भाई, और ये भाई अपने को नए आ रखे हैं। वैसे यार मैं चाहूँ तो यार इसे दूँ या फिर ना दूँ, चलो यार देखेंगे भाई। और एक क्वेश्चन यहाँ से जा चुका है, सेट यार दिक्कत हो गई भाई, मैं नहीं चाहता था भाई वो चले जाए, बट यार अब चले गए तो अपना क्या ही कर सकते हैं यार, मैंने उसे ध्यान भी नहीं दिया और वो भाई यहाँ से जा चुकी है। तो अभी मुझे रियान के शॉप को कुछ इस वाले जगह पर लगाने की जरूरत है, ठीक है यार ये मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। और इनको ना हम लोग काफ़ी तमीज भाई, अगर मैं यहाँ पर भी लगाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा सही है भाई, क्योंकि देख रहे हो भाई अच्छे लड़े हैं, और इस जगह पर यार थोड़ी सी यार ये कॉम्पैक्ट सी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर तो नहीं लगा रहा हूँ। बेसिकली मैंने ना गाइस यहाँ पर ये वाली जगह डिसाइड कर रखी थी इसे लगाने के लिए, वैसे गैप तो प्रॉपर है ना। चलो यहाँ पर यार गैप भी अच्छे खासे। और एक सेकंड भाई साहब, कहीं यार मुझे ऐसा लड़ा भाई अगर मैं यहाँ तक लगाओ यार, मुझे ऐसा क्यों लड़ा भाई। तो चलो यहाँ पर इनके 4x5 हो रहे हैं, तो काम बन गया भाई, तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ कुछ इस वाले डायरेक्शन में मूव करके। और लाइट तो ये यहाँ पर लग चुके हैं, और अब ना गाइस इनको छोड़ करके यहाँ पर जो बाकी के बचे कुछ काम है ना वो मुझे यहाँ से स्टार्ट कर देने की ज़रूरत है। तो फिलहाल यार रियान यहाँ घूम रही है, और उनके घर को मैंने उधर के साइड पर लगा रखा है, पता नहीं यार ये भाई इतने दूर यहाँ पर कैसे स्पॉन हो गए। तो ठीक है यार आज आई थिंक यार हमें सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पर सीजन भी चेंज वैसे हुआ तो नहीं है। और भाई साहब इनके देखो भाई कितने सारे, मतलब देख लो भाई अब मुझे कंगारू के फार्म बनाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यार इनका काम तो यार यहीं लोग कर दे रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है भाई। तो अब ना गाइस मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करने की जरूरत है वो हर एक चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना गाइस मुझे यहाँ पर चाहिए भाई वो लाइट, वो जो लाइट होते हैं ना पता नहीं उसे कौन से लाइट कहते हैं, आई थिंक यार वो यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरे लग जाते, तो वो मुझे यहाँ पर दो बनाने की जरूरत है। और बाकी यार मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ भाई, मैं यहाँ पर कौन से हार्डवुड वाले बनाऊँ क्या, अगर मैं हार्डवुड वाले बनाऊँ तो यार वो आई थिंक यार यहाँ पर सूट करने वाले, तो नीचे वाले जो पोर्शन है वो मैं अपने हार्डवुड से बनाने वाला हूँ, और ऊपर वाले जो पोर्शन है वो मैं अपने इससे बनाने वाला हूँ, ये जो झाड़ पत्थर से होती है बेसिकली मैं उसी से यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं देख लेता हूँ भाई ये सारी चीज़ें क्राफ्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, और बांकेड़ अभी ये सारी चीज़ें भी आ रखी है भाई, हड़ी चीज़ यहाँ पर आ चुकी है भाई। चलो यार उसे मैं यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, बट यार अभी नहीं, तो अभी ना गाइस ये मुझे यहाँ पर ले लेनी है भाई, देख रहे हो भाई काफ़ी कम ही बचे हैं वैसे, और मुझे कुछ कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पर लगाने की जरूरत है। तो फिलहाल मैं देखता हूँ भाई, एक अपने को ये वाली फैंस मिली थी ना तो इनका मैं देख लेता हूँ, इनको मुझे इनके लिए मुझे यहाँ पर हार्डवुड के लॉग चाहिए होंगे, हार्डवुड के लॉग मैंने इसके अंदर रखवा रखे हैं। चलो 11 अपने पास यहाँ पर पड़े हुए हैं,
और एक वो भी चाहिए यार। और क्या मैं इसे अब भी क्राफ्ट कर सकता हूँ? आई गेस यार मैं कर पाऊंगा, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ठीक ही ठाक अमाउंट में यहाँ पर क्राफ्ट हो जाएंगे। और आई थिंक इतनी की ही हमें यहाँ पर नीड होने वाले, 40 हो गए भाई, काफ़ी ज़्यादा है भाई। फिलहाल यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं रखवाया था दोबारा से, और मुझे यहाँ पर चाहिए भाई वो लाइट। तो मैं बेसिकली ये वाली लाइट की बात करता था, वैसे एक सिलेंडर अपने पास एक तो ऐसे पड़े होने चाहिए भाई, क्योंकि यार एक तो मैं यहाँ पर लगा नहीं पाया था। वेल अगर मैं देखूँ यार किसके अंदर हो सकते हैं भाई, मुझे यार कोई आइडिया नहीं है भाई, लिटरली यार कोई आइडिया नहीं है भाई, कहीं ना कहीं तो यार दे दो यार तुम। नहीं यार कहीं पर भी नहीं है भाई, आई थिंक यार मैंने उसे यहाँ पर दो ही बनाया था। तो वैसे देख लेते भाई इसे बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई। ब्राइट वायर चाहिए, ग्लास बल्ब चाहिए और गमवुड प्लैंक चाहिए, है भाई अपने पास हर एक चीज़। और लाइट तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पर इसे दो ही बनाने वाला हूँ, दो से ज़्यादा हम लोग इसे बनाएंगे नहीं। तो ठीक है फटाफट से मैं इसे यहाँ पर बना देता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर दो बन चुके हैं, और मुझे यहाँ पर चाहिए भाई काफ़ी ज़्यादा वो चाहिए भाई, ये फ्लावर के बेड मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इसका हमें फिलहाल यहाँ पर यूज है भाई। तो फ्लावर के बेड मैंने यहाँ पर ले लिए, और मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए चीज़ें चाहिए होंगे वो तो यार मुझे कोई आइडिया है नहीं फिलहाल के लिए। मैं काम करूँ यार वो भी बना लूँ, एक झरने में बना लेता हूँ, फाउंटेन जिसे कहते हैं भाई। तो फाउंटेन के लिए देख लेता हूँ भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ की नीड पड़ने वाली है भाई, लेकर मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर फाउंटेन नहीं बना रहा हूँ। तो चलो गाइस ये रहे भाई फाउंटेन, इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए भाई एक स्प्रिंकलर, बैकअप सीमेंट चाहिए, ठीक है हर एक चीज़ है भाई अपने पास, फटाफट से यार ले लेते हैं। बट मैं यहाँ पर स्प्रिंकलर अपने यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो ठीक है यहाँ पर मैं बैग ऑफ सीमेंट भी लेता हूँ। बस मुझे एक ही यहाँ पर बनाने हैं, एक से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर बनाएंगे नहीं। और राइट गाइस डन, फिलहाल यहाँ पर हर एक चीज़ अपने पास यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो अपने गाइस फटाफट से यार मुझे चलना है भाई वहाँ पर, और वहाँ पर ना गाइस डिटेलिंग का, डेकोरेशन का, जो भी काम वहाँ पर बचे हुए हैं वो हर एक काम करना स्टार्ट कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अब भी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, और अब भी से ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत भाई लग रही है, जो कि यार नेक्स्ट लेवल लुक आ रहे हैं भाई इनकी। तो फिलहाल मुझे अपने फाउंटेन को नगाइज यहाँ पर लगाने की जरूरत है, तो अपने फाउंटेन में लगाने वाला भाई कुछ यहाँ पर, काफ़ी आप प्रेम से भाई लाइक कर ऐसे डिस्टर्ब यार किसी को ये ना करे, एक काम करता यार यहाँ पर मैं लगाता हूँ। वैसे अगर मैं चाहूँ तो यार इसे बार बार यार उठा भी सकता हूँ, तो दिक्कत नहीं भाई। वैसे अपने फाउंटेन को मैंने यहाँ पर लगा दिया, मुझे यार अपनी सीढ़ियाँ भी लानी चाहिए थी, बट अरे में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैं बाद में लेता हूँ। और गाइज मैं इतने सारे यार चीज़ें यहाँ पर क्यों लेकर के आया हूँ, लाइक यार देख रहे हो भाई कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं है भाई। और गाइस दिक्कत हो गई भाई, ये तो मैं यहाँ पर लगा ही नहीं पाऊँगा, कुछ ज़्यादा ही गैप यहाँ पर बन रही है। ठीक है यार चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अगर हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर तो लगा सकते हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। वैसे यार यहाँ पर अच्छे लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे, एक काम करते हैं भाई यहाँ पर लगाते हैं। तो चलो यार एक अपनी यहाँ पर लग चुकी है, और दूसरे वाले को मैं कहाँ लगाऊँ, दूसरे वाले को छोड़ देते भाई, क्योंकि यार जबकि इसकी साइज यार कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो मैं दूसरे वाले को यहाँ पर लगा भी नहीं पाऊँगा। तो अभी नगर मैं ये वाले वुडन लोग यहाँ पर उठा लेता हूँ, और उनको नगर मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करता हूँ, और आई थिंक यार ये यहाँ से काफ़ी परफेक्ट लगने वाले हैं। ठीक है यार यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ पूरे बस मैं इसे यहाँ पर किनारे किनारे पर घेरने वाला हूँ। तो अभी यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, देख रहा भाई मैं कहाँ पर आकर के यार इसे यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, और लेट मैं उधर के साइड पर भी लगा पा रहा हूँ। तो ठीक है यार यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर नगर हमें कुछ इस तरीके से ऐसे लगाने की जरूरत है। यार मैं इतने कॉम्पैक्ट जगह पर यार कैसे लगाऊंगा, चलो यार थैंक गॉड यहाँ पर लग चुके हैं, तो दिक्कत नहीं है भाई। और मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पर बना करके आ गया था, तो यह भी यार एक समस्या वाली ही बात है। तो इतना काम फिलहाल अपना यहाँ पर हो चुका है ना, वैसे मुझे ये भी उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि यार इसे मुझे यहाँ पर नहीं रखना है, मुझे अपने फ्लावर बेड दो यार, ये रहे अपने फ्लावर बेड, मुझे फ्लावर बेड को यार कुछ इस तरीके से इस जगह पर ऐसे लगाने हैं भाई, एक यहाँ पर, तीसरी वाली यहाँ पर, और चौथी मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, पाँचवीं यहाँ पर, छठी यहाँ पर, इस तरीके से मुझे ऐसे घेरने हैं भाई, लेकर ऐसे मिडिल में मुझे एक नहीं यार ऐसे नहीं करने थे भाई, मैंने एक यार कुछ गलत ही लगा दिया भाई, एक मुझे यहाँ चाहिए और एक मुझे यहाँ से घेरने हैं, और बाकी नगर एक सवाल में ले लेता हूँ, और इनको नगर ये वाले पाथवेज में यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक डर्ट यहाँ से ले लेता हूँ, और इस डर्ट को मैं क्या करूँ यार, कहाँ रखूँ ना रखूँ कुछ भी मेरा ठिकाना नहीं भाई। चलो यार डर्ट को अपने हाथ में ही रखते हैं, बस मुझे यहाँ पर एक नहीं यार अपने डर्ट को यार अपने हाथ में ही रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसे फेंक नहीं सकता। मुझे नगर यहाँ पर एक सीड चाहिए भाई, और सीड कौन से वाले मुझे चाहिए वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सीड नगर बेसिकली हम लोग यहाँ पर पामवुड वाले नहीं, आई मीन अपने गमवुड वाले लेने वाले। फिलहाल यहाँ पर एक फिशिंग रोड मेरे को मिली है, जो काफ़ी बेसिक वाली है, तो ठीक है मैंने इसे यहाँ पर फिलहाल ले तो लिया है, बट यार मैं लास्ट टाइम यार इसके अंदर सामान डालना भूल गया। तो अभी ना गाइस मुझे कुछ इस वाले जगह पर चलना है, और यहाँ पर ना अपने पास आई थिंक यार वो सारे सामान होने चाहिए भाई। और मैं देखूँ तो ठीक है यार अपने पास ये रहे भाई गम नट, तो गम नट को ना गाइस मैं बस एक ही यहाँ पर लेने वाला हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ पर लूँगा नहीं। और मैं बाकी जो बचे कुछ सामान है ना वो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए रखवाता हूँ, क्योंकि यार फिलहाल तो यार इसका जबकि यूज है नहीं, तो मैं यहाँ पर इसे लेकर क्या ही करूँगा। फिलहाल यार मैंने अपने सामान को यहाँ पर रखवा दिया, तो दिक्कत नहीं यार मैंने यार इसमें मुझे यार इसके अंदर नहीं रखवाने थे यार, मैं इसको नॉनवेज वाले आइटम में रखवाने वाला हूँ, जो कि यार ये रहे।
और मुझे लगा यहाँ पर सामान लेने के लिए यार कुछ ज़्यादा ही दूरी तय नहीं करनी पड़ती यार, लेकर फिर भी यार कुछ ज़्यादा ही दूरी मुझे यहाँ पर तय करनी पड़ जाती है, तो ये यार एक समस्या वाली बात है। तो फिलहाल जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर यार अपने को गमनट जो मुझे मिले थे वो मैं इसके अंदर फेंक करके और इसके अंदर मैं मिट्टी डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर फेंक दिया और यही मिट्टी को मुझे इसके अंदर डालने हैं और अब लगा ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगने वाले हैं। और फिलहाल लगा मुझे यहाँ पर रॉयल ब्लू लगाओ या फिर ये वाले लगाऊँ, वेल अगर देखो तो यार यहाँ पर जो सूट करने वाले हैं वो यार ये वाले सूट करने वाले हैं, तो मुझे यहीं यहाँ पर लगाने जरूरत है। और काम कर रहा है, मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ठीक है यार इतना काम ना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इससे ना मुझे कुछ काफ़ी प्रेम से भाई इधर से ऐसे लगाना स्टार्ट करना है भाई, एकदम किनारे किनारे पर, ज़्यादा मुझे एरिया यहाँ पर कवर करने की ज़रूरत है नहीं भाई, थोड़े थोड़े मैं यहाँ पर लगाऊंगा और ये अपनी यहाँ पर ख़त्म भी हो चुकी है, जो कि एक समस्या वाली बात है भाई। ये मुझे इसे ख़त्म तो करने नहीं चाहिए थे, बट यार ठीक है यार, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो मैं और भी यहाँ पर बना करके ले आता हूँ। और हाँ गए, जबकि मैं यहाँ पर आ चुका ना, तो क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से परचेज करते हुए चलूँ, क्योंकि अब यार मैं अनलिमिटेड यहाँ पर परचेज करते रहूँगा भाई, मतलब अब यार मुझे यहाँ पर रुकने नहीं भाई। चलो गए, मैंने एक यहाँ पर परचेज कर लिया और ये मुर्गियाँ भी मैं यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें यार मुझे चाहिए नहीं। और इसे ये जो फीडर है ना गाइस, ये मैं एक ही बार परचेज कर सकता हूँ या फिर मैं बार बार कर सकता हूँ? नहीं यार छोड़ दो भाई, मतलब यार अगर तुम एक बार दे रहे हो ना तो मैं यार नहीं ले रहा, अगर तुम बार बार देते तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि यार बनाने से अच्छा यार मैं परचेज ही क्यों ना कर लो। अब निवास यार पैसे तो कुछ ज़्यादा ही हैं, फिलहाल मैं ये सारे चिकन को भी यार दो यार, मैं क्या मुझे इसे रखवानी पड़ेगी तब यार तुम दोगे? तो चलो गाइस कोई नहीं यार, मैं इसे यहाँ पर रखवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, खुल जा सिम, और लाइट ये यहाँ पर खुल चुकी है। तो गाइस यार फाइनली अब जाकर के ये वीट और शुगर किन को बेच रही है, तो काफ़ी सही बात है भाई, तो मैं यहाँ से यार भड़बड़ के यार लेने वाला हूँ भाई, लेकर अब यार कोई कसर ही नहीं छोड़नी है भाई, मैं 500-600 यार जितनी हो सके भाई उतने मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो चलो गाइस मैंने इनसे काफ़ी सारे यहाँ पर सीड्स वगैरह सब परचेज कर लिया, अपने को एक माइलस्टोन यहाँ पर मिली है भाई, देखते हैं यार कौन सी वाली माइलस्टोन है। ऑल राइट, तो ये वाली माइलस्टोन है भाई, ठीक है ये मैंने यहाँ पर ले ली। अभी नहीं मैं आप लोग को सीड दिखाता हूँ भाई, तो मैंने 400 कुछ यहाँ पर ये वाले सीड लिए हैं और एक और सीड थी भाई, चलो यार ये रहे भाई, तो ये वाले भी सीड मैंने यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में ले रखे हैं। और वैसे अपनी क्रोकोडाइल के मीट तो है भाई, बट यार ये फ्लावर भाई ठीक है, यहाँ पर यार फ्लावर आए करते थे, तो अभी नहीं मुझे ये सारी चीज़ें रखवाने की भी ज़रूरत है। तो चलते यार यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत क्राफ्टिंग भी कर लूँगा और साथ ही साथ ना गाइज मैं यहाँ पर इनको रखवा भी दूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये देखने भाई कि आपने पास ये बूस वाले डोर है भी या फिर नहीं है, अगर होंगे तो मुझे बार बार यार यहाँ पर रखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो गाइज और फाइनली यहाँ पर जितनी चीज़ें क्राफ्ट करने की ज़रूरत थी उतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर फिलहाल क्राफ्ट कर ली है, और अब ना गाइज चलते भाई इसे मैं यहाँ पर फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। और गाइज क्या मैं यहाँ से इसे क्लाइम कर सकता हूँ? चलो यार मैं यहाँ से एटलीस्ट क्लाइम कर पाऊँगा तो कोई इशू नहीं है। फिलहाल यार मैंने अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पर ये वाले वॉल्स बना लिए हैं, तो फटाफट से मैं इनको यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर यार लगेंगे या फिर नहीं? यार लग जा भाई, यार के ड्राम में लगा रहा है भाई यो। चलो यार यहाँ पर मैं ऐसे लगा सकता हूँ। और लाइट, तो अभी मुझे यहाँ पर एक डोर लगाने जरूरत है, तो डोर को ना गाइज मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो यहाँ पर क्या डोर लगेंगे या फिर यार क्यों नहीं लग रहे भाई यहाँ पर? लेकिन लग तो जाने चाहिए, बट यार क्यों यार, क्या मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इसीलिए? चलो अब जाकर के ये लग पा रहे हैं, तो ठीक है यार यही मैं चाहता था बेसिकली। और अगर किसी को आना जाना होगा तो यहाँ से ये लोग आ जा सकते हैं मस्त। और यहाँ पर यार दोबारा मुझे ये लगाने जरूरत है। और गाइज ये जगह यार थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्पैक्ट हो चुकी है, जबकि तो दिक्कत है भाई, अगर मैं यहाँ तक इसे लगा दूँ और यहाँ पर यार थोड़ी सी जगह बच जाएगी, लाइक यार मैं यहाँ तक तो लगा दूंगा, बट यार इसे कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ भी लगाने जरूरत है और यहाँ से यार मैं आ जा नहीं पाऊँगा, तो ठीक है यार ये दिक्कत है भाई। तो यहाँ से मैं इसे यहाँ पर कलेक्ट कर देता हूँ। और यार यहाँ पर नगर मैं पता है क्या करूँगा? नहीं यार ये मुझे नहीं करने थे, यहाँ पर नगर मैं कुछ और करने वाला हूँ। यहाँ से मैं फिलहाल कलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर यार फ्लावर बेड अपने कहाँ गए भाई? ये रहे भाई अपने फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड मैं यहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ पर नहीं भाई, एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ और दूसरे वाले नहीं यार, अपने पास दो दो नहीं है बस, अपने पास यहाँ पर एक ही है। तो चलो गाइस एक अपनी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पर एक और की जरूरत है, फिर यार अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। और बाकी जो अपने पास यहाँ पर झड़ने हैं ना, तो झड़ने को ना गाइस मैं यहाँ पर लगाता हूँ। अगर सर ये इसके लिए काफ़ी बेस्ट जगह होगी या फिर नहीं होगी? आई होप यार यहाँ पर ये जगह यार बेस्ट है इसके लिए। तो फिलहाल ना गाइस मैं यहीं पर से लगा रहा हूँ, बट जबकि मैं यहाँ पर मैं खड़ा था ना, तो ये यहाँ पर लगने का नाम ले नहीं रही थी। तो ठीक है यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ये मस्त अपना झड़ने का काम होते रहेगा। और यहाँ पर ना गाइस मैं टेबल और चेयर लगा दूंगा, तो इससे अपना काम यहाँ पर बन जाएगा। तो ठीक है फिलहाल मैंने इतना काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। और मुझे फ्लावर के बेड या फिर नहीं तो लाइटें मुझे यहाँ पर लगाने की जरूरत है, पता नहीं यार। यहाँ पर मैं लाइट लगा दूंगा एक अपने वुडन लैम्प पोस्ट, और यहाँ पर मैं दो फ्लावर बेड लगा दूंगा, तो इस तरीके से काम यहाँ पर होने वाला है। चलो यार इस तरीके से काम यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर यार कौन से गेट लगाऊँ?
लगे मेरे पास यार कोई गेटवे तो ठीक ठाक है नहीं भाई कोई ढंग की। चलो यार देख लेते भाई अब मुझे यहाँ पर क्या क्या लाने वो एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक फ्लावर बेड लाने हैं, दो ब्रिक के लाने हैं और एक वुडन लैंप पोस्ट लानी है। तो ठीक है यार और कोई से भी गेट मैं यहाँ पर ले आऊँगा। ऑल राइट गाइस जन फिलहाल हमें यहाँ पर जो जो चीज़ की नीड थी उतनी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बना करके आ चुका हूँ। और अब भी नहीं गाइस चलते भाई सीधे अपने रेयान के घर पे और देखते भाई क्या वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लगा पाऊंगा या फिर नहीं लगा पाऊंगा। हालांकि यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग तो थोड़ी बहुत अच्छी खासी हो रही है बट मुझे और भी यहाँ पर लाइटिंग की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ठीक है यार वैसे यार मैं जहाँ पर जो गेट खोल रहा था ना वो गेट यार मुझे यहाँ पर मिली नहीं भाई। तो अपने पास जो ये वुड वाले ब्रिक वाले जो फ्लावर बेड है वो एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ और दूसरी वाले मैं यहाँ लगा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे लगानी है भाई एक ये वाले लैंप पोस्ट। तो लैंप पोस्ट मैं इस जगह पर लगा देता हूँ। चलो यार यहाँ पर यार अब जाकर के ये अच्छी लग रही है। तो ठीक है यहाँ पर मैं कोई गेटवे यार देख लूँगा बाद में बट अब भी नहीं। तो ठीक है इतना काम ने यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मुझे एक ये वाले नहीं यार ये तो भाई अपने पास दो बन गए यार एक बार में यार दो ही बनती है तो मैं क्या ही कर सकता था। चलो एक अपने पास यहाँ पर एक्स्ट्रा में रहेगी एक मुझे यहाँ पर देने हैं और मेरे पास ना गए यहाँ पर फ्लावर पॉट भी है तो पॉट को ना गए मैं सोडा भाई यहाँ पर लगा दो। लेकिन मैंने थोड़ी बहुत ऐसे बना करके आ गया मैं सोचा कि भाई यहाँ पर यार कुछ बना लेता हूँ अगर हो सके तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा कहीं कहीं पर लेकर अच्छे ही लगने वाले। एक मैं यहाँ लगाता हूँ और दूसरी मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ठीक है यार यहाँ पर दो दो अपने लग चुके हैं और अब ना गए मुझे यहाँ पर फ्लावर देने की जरूरत है तो मैं ना गए रेयान के पास ये वाले फ्लावर देने वाला हूँ। लेकर एक में एक के अंदर नहीं यार ऐसे नहीं भाई ये भाई यहाँ से लो भाई। तो चलो गाइस ये वाले फ्लावर मैंने यहाँ पर ले लिया तो एक ना गाइस मैं यहाँ लगाता हूँ और दूसरी वाली को मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है यार यहाँ पर काफ़ी सही लग रही है और ये वाले फ्लावर को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। आई थिंक यार ये यहाँ पर अच्छी लगनी चाहिए। तो ठीक है ये भाई यहाँ पर अच्छी लग रही है और यहाँ पर ना मैं रेड वाले फ्लावर लेने लगाने वाला हूँ। तो ठीक है फटाफट से मैं रेड वाले फ्लावर लेकर के आ जाता हूँ मुझे यार यहीं कहीं मिल जाने वाले हैं। तो गाइस फाइनली यार ये दोनों के दोनों यहाँ पर सो रहे हैं भाई काफ़ी सही है भाई। तो रेड वाले फ्लावर मैंने यहीं कहीं देखी थी भाई अगर मेरे को मिल जाए तो काफ़ी सही बात होगी। चलो यार दो दो यहीं के यहीं मिल गए भाई अच्छा कि मैंने यहाँ से उखाड़े नहीं थे भाई नहीं तो मैं किसी न किसी चेस्ट के अंदर रखवाया था और वो भाई दिक्कत करते भाई मुझे बार बार यार अपने घर जाना पड़ता और एक और मिल गए भाई वाह भाई साहब काफ़ी सही है भाई। तो फिलहाल मुझे अपने रेड वाले फ्लावर को यहाँ पर लेनी है और इसको ना गाइस एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ और दूसरी मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो ठीक है यार ये दोनों भाई यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ पर ना गाइस मैं टेबल और चेयर यहाँ पर मैं लगा दूंगा और यहाँ पर ना गाइस मुझे थोड़े बहुत पेड़ भी लगाने जरूरत है। वैसे एक सेकंड क्या मैं यहाँ पर कुछ लगा सकता हूँ आई थिंक यहाँ पर गैप तो है भाई तो यहाँ पर ना गाइस मैं लाइटिंग वाइटिंग का भी मस्त जुगाड़ कर दूंगा बट यार फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं कर रहा क्योंकि यार लाइटिंग यार कुछ ज़्यादा ही महंगे आते हैं। फिलहाल एक काम करो यार मैं आज के दिन मतलब यार आज हम लोग यहीं तक काम रखते हैं बाकी का जो काम है ना गाइस वो हम लोग कल सुबह यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर जबकि आप लोग देख लो भाई यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ये वाटर मिलन और बीन्स भी आ रखे हैं तो मुझे ये भी यहाँ पर कलेक्ट करने जरूरत है। तो फटाफट मैं इनको यहाँ पर कलेक्ट करता हूँ और डायरेक्टली मैं कल सुबह ही आप लोगों से मिलूंगा। और राइट गाइस डन यहाँ पर हो चुके प्यारे सुबह बट यार पता नहीं यार इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर क्यों हो रही है। लाइक यार देख रहे हो भाई जब यार मैं सोचता हूँ भाई बारिश हो तब तो यार होती नहीं है बट यार जब मैं चाहता हूँ बारिश ना हो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो गई भाई। अब यार सीजन बदल चुका है और मुझे यार फटाफट से यार ये काम एक काम करनी पड़ेगी ये कि मुझे कोई और सीड को यहाँ पर प्लांट करनी पड़ेगा आई हैव नो अदर चॉइस। तो फिलहाल यार यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा अपने पास यार यहाँ पर कॉर्न की सीड है बट यार कम ही है भाई। और क्या रियान आज यहाँ पर अपने शॉप को ओपन चलो यार ओपन तो करेगी बट यार ये बात की गारंटी नहीं कि भाई वो हमें यहाँ पर कॉर्न देगी ही देगी। बाकी इस सीजन में यहाँ पर क्या क्या उगते हैं वो भी एक बार मैं चेकआउट कर लूँगा। तो ठीक है यार फिलहाल यार अपने साथ यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्कैम हो चुका है तो मुझे काफ़ी हिसाब से यार काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे यार रेयान के पास चलने हैं और देखने हैं क्या वो हमें ये सारी चीज़ें दे रही है या फिर नहीं दे रही है। और एक काम मैं ये कर लेता हूँ मुझे इनका थोड़ी बहुत यहाँ पर टाइम ट्रेवल करने की ज़रूरत है क्योंकि यार अभी सीन क्या है आप लोग को मैं बताता हूँ। अभी यार मुझे ये जितने सारे प्लांटिंग आप लोग देख रहे हो ना मुझे ये सारे यहाँ पर कट करने की ज़रूरत है। और गाइस यार इसे कट करने क्योंकि यार इसका सीजन यार अब जा चुका है यार अगर मैं इसे यहाँ पर अभी कट नहीं किया ना तो फिर यार प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी ये सारे यहाँ पर सूख जाएंगे और फर्टिलाइड अपने यहाँ पर चले जाएंगे तो बेसिकली मुझे अपने फर्टिलाइड को यहाँ पर बचाना ही पड़ेगा तो इसलिए मुझे ये सारे प्लांट को यहाँ पर कट करने की जरूरत है। अच्छा कि कल मैंने यहाँ पर सारे यहाँ पर कलेक्ट कर लिए थे तो इसलिए आज यहाँ पर दिक्कतें आएगी नहीं। तो एक बार मैं चलता भाई रियान के पास और देखते भाई वो हमें यहाँ पर क्या दे रही है। वैसे काम को यार यहाँ पर जितने सारे प्लांट है इसको सबसे पहले मैं कट ही कर लेता हूँ और जब तक मैं इसे यहाँ पर कट करूँगा तब तक यार 11 तो वैसे बज ही जाएंगे तो चलो मैं इसे यहाँ पर कट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलो गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पर जितने सारे प्लांट्स हैं उनका मैंने यहाँ पर नाश पीट दिया है। इससे पहले कि वो खुद का नाश पीट लेते मैंने खुद से यार उसका नाश पीट दिया। तो ठीक है यार फिलहाल ना गाइस मुझे रियान के पास अब चलना चाहिए क्योंकि ये अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो यार 11 तो वैसे हालांकि बजे नहीं है
बटर स्टिल में सो रहा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट कर लो, बस 30 सेकेंड ही मुझे यहाँ पर वेट करने हैं। हाय देयर, तो बस मुझे यहाँ पर 30 सेकेंड ही वेट करने हैं, फिर इसका सीजन यहाँ पर बीत जाएगा। वैसे काम ही मैं ये ना कर लो लाइक यार, मेरे पास यार क्या क्या चीज़ें थे वो तो मैंने, एक सेकेंड यार, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें परचेज करता हूँ, एक सेकेंड यार, ये अभी कुछ देंगे नहीं भाई। यार ऐसा मत करो यार, कुछ तो दो यार, यहाँ पर यार इन्होंने भाई कुछ लाया ही नहीं, तो हम लोग यार कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से परचेज नहीं, यार परचेज नहीं कर सकता हूँ, ये भाई इनके शॉप के लिए। और वेट अ सेकंड भाई साहब, ये क्या है भाई, डॉग केनल यार, तुम ये सारी चीज़ें भी देते हो यार, मुझे यार आइडिया नहीं था भाई इस चीज़ का। चलो मैंने यहाँ पर एक डॉग केनल ले लिया और इसके अंदर हम लोग एक डॉग को पाल सकते हैं, तो ठीक है यार हम लोग पालेंगे, बट यार से टेम यार कैसे करूँ मैं, लेकर मुझे कोई आइडिया नहीं भाई डॉग को यहाँ पर टेम कैसे करते हैं, उसे हड्डियाँ वड्डियाँ या फिर मांस वांस से देने पड़ते हैं। फिलहाल यार मुझे यहाँ पर कोई आइडिया तो नहीं उसे टेम कैसे करने हैं, बट यार मैं कोशिश करूँगा उसे टेम करने की। और रियान क्या अपने घर गए या फिर नहीं गए, चलो यार ये अपने घर यहाँ पर जा चुकी है, अब मैं भी चलता हूँ। ऑल राइट गाइस, जिस चीज़ की मुझे यहाँ पर तलाश थी वो भाई मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, तो फटाफट से यार मैं पूरे यहाँ पर ले लेता हूँ यार। ऑटम एंड विंटर, तो ये यहाँ पर दो दो सीजन में आने वाले हैं, तो ये तो अपने लिए काफ़ी सही बात हो गई। तो मैंने कहा इसे यहाँ पर भड़बड़ के यार खरीदने वाला हूँ। और एक सही बात बताओ आप लोग को, अपने को यहाँ पर पम्पकिन के भी सीड मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया चीज़ यहाँ पर क्या हो सकती है। तो ठीक है यार, ये हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलो गाइस, फिलहाल मैंने यहाँ पर 300 पम्पकिन की सीड यहाँ पर बाय कर ली हैं, और अपने पास देखते हैं भाई कितने कॉर्न के सीड हो पाते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा भाई दोनों के साइड में कॉर्न लगा दूँ वो यार, इसीलिए क्योंकि अब मुझे यार भुट्टे यार कुछ ज़्यादा ही चाहिए। तो ठीक है, मैंने 700 यहाँ पर कॉर्न के सीड बाय किए हैं और 300 पम्पकिन की सीड है, तो मैं यार सोचा भाई यहाँ पर लगे यहाँ तो इसे लगा ही देता हूँ, क्योंकि यार अभी यार अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं भाई, तो मैं यार लगा रहा हूँ भाई इनको। सो गाइस, और फाइनली मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पे अपने पम्पकिन और इसे क्या कहते हैं भाई कॉर्न के, तो दोनों के दोनों सीड मैंने यहाँ पर पूरे पूरे लगा दिए हैं। अपने पास यहाँ पर पम्पकिन के 41 सीड बचे हुए हैं, बाकी कॉर्न के सीड अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और मैंने आधे दिन यार इसी में यहाँ पर वेस्ट कर दिए, वैसे वेस्ट नहीं आई मीन कह लो कि भाई इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, फिलहाल मैं यहाँ चलता हूँ, अपने पास यार कुछ खाने पीने के लिए यार कुछ है भी नहीं यार, सिर्फ यार दिक्कत हो गई भाई मुझे यहाँ पर। और भी लैम्बोस, एक काम करो, मैं लैम्बोस ना पकड़ कर सीधे मैं बनाना पका रहा हूँ, क्योंकि अब जबकि हम लोग अपने बनाना का फार्म ही बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। फिलहाल एक काम करते हैं भाई, क्वार्डिंग को एक बार मैं देखता हूँ भाई, क्वार्डिंग यार हमें कम ही दे रहे भाई, इससे अच्छा भाई अपने बनाना है, मैं सारे बनाना को यहाँ पर ले लूँ या फिर, चलो यार मैं सारे यहाँ पर ले रहा हूँ। और हाँ गाइस, मुझे इससे भी यहाँ पर लगाने की जरूरत है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, बट यार फिलहाल मुझे यहाँ पर एनर्जी की यार कुछ ज़्यादा ही गंदी कमी पड़ रही है, तो मुझे यार अपने एनर्जी के लिए ये सारी चीज़ें बनाने की जरूरत है। तो अभी नगर मैं क्या करने वाला वो मैं आप लोग को बताता हूँ, तो जैसे जब मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगा ना, तो मैं इस साइड पर भी ना आई मीन इस वाले खेत के अंदर भी अपने कॉर्न को लगा दूंगा। हालांकि मैं यहाँ पर काफ़ी है तो नहीं लगा पाऊंगा, बट यार जितने मेरे से एटलीस्ट हो पाते तो उतने तो मैं यहाँ पर लगा ही सकता हूँ। तो ठीक है, लगा देंगे भाई, उसके बाद नगर अगले वीडियो में आप लोग ये भी देख लोगे यहाँ पर अपने कॉर्न के सीड लगे हुए हैं। और गाइस, अगर मेरे को यहाँ पर ओल्ड गियर मिल जाते ना, तो मैं यहाँ पर और भी वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम यहाँ पर मैं बना लेता अपने, हालांकि मैं कॉपर वाले ही बनाता बटर, उससे भी अपना काम यहाँ पर हो जाता, तो उसे भी मैं यहाँ पर लगा करके अपना काम यहाँ पर कर सकता था। तो ये यार अपने लिए कुछ ज्यादा ही बढ़िया आइडिया है, तो लेकिन यार मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अपने पास यार वो चीजें तो है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं आप लोग को बताऊं तो अपने पास यार ओल्ड गियर है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम बना नहीं सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसे भी परचेस कर लेता हूँ। अब यार जितने सारे ये लोग जानवर देंगे ना, उतने मैं यहाँ पर परचेस करते रहूंगा भाई, मतलब यार इनका परचेसिंग का प्रोसेस यार यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। फिलहाल यहाँ पर देख लो भाई, ये सारी मुर्गियां आ रही है भाई, भाई तुम का ये बात की आ रही है भाई, फिलहाल यहाँ पर देख रहे हो भाई ये सारे चूजे वो जैसे भी यहाँ पर है भाई। और अब ना गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने का जुगाड़ करना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो चुका और एक सिलेंडर यहाँ पर मैंने कुछ लगा ही नहीं, क्या करूँ यार, रॉयल वाले लगाओ या फिर रेड वाले लगाओ। वेल मैं सोचा भाई रेड वाले ही लगा देते हैं, देखते हैं भाई अगर आसपास रेड वाले होंगे तो मैं चल करके लगा दूंगा, वरना कोई इशू नहीं है। और अभी ना गाइस, मुझे यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो वो मुझे यहाँ पर करने की जरूरत है। फिलहाल एक रेड वाली प्लांट मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, और बाकी मैं काम और कर सकता हूँ, मैं यार अगर चाहूँ तो यार यहाँ पर कैक्टस भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो भी तो ऐसे लुक में तो यार अच्छे ही लगेंगे, तो फिर यार मैं क्यों ना यार कैक्टस लगा लेता हूँ, देखते भाई कैक्टस लगा करके अगर ये अच्छे लगेंगे तो काफ़ी सही है भाई, वरना यार कोई इशू नहीं भाई, अगर ये यहाँ पर लग जाए तो ठीक है। तो लगे यहाँ तो यार मैं ये वाले फ्लावर को भी ले लेता हूँ, अगर कैक्टस बाई चांस ना लगे तो मुझे ना ये वाले फ्लावर यहाँ पर लगा देने हैं। तो ठीक है यार, यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया। और अभी ना मुझे नहीं पता कि यार अपने को जो यहाँ पर पेट हाउस मिले ना, वो यार अपने को कितने ज़्यादा बड़े मिलने वाले हैं,
बट यार कोई नहीं यार, देखेंगे भाई। आई थिंक यार वो डॉगीज के लिए ही है, तो ठीक है यार मैं देख लूंगा। बाकी यार मैं इसके अंदर यार ये चीज़ें लगा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से मैं लगा सकता हूँ नहीं यार। चलो यार ठीक है, अच्छा वक्त मैंने यहाँ पर दो दो प्लांट ले आए, तो फिर ना हम लोग इनको यहाँ पर लगा पाएंगे। तो ठीक है, एक मैं यहाँ लगाता हूँ और दूसरा मैं इनके अंदर। और लाइट अपना इतना काम यहाँ पर हो चुका है, अभी मुझे अपने पेट हाउस को भी लगाना है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करने की नीड है वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ना मुझे लाइटिंग वाइटिंग अच्छा खासा जुगाड़ करना पड़ेगा, तो एक लाइट मैं यहाँ लगा दूंगा और दूसरी वाली लाइट में यहाँ यहाँ लगाओ या फिर छोड़ दो यार। दूसरी वाली लाइट में यहाँ और यहाँ लगा रहा हूँ, तो ठीक है यार दो लाइट में यहाँ लगा दूंगा। और बाकी यार और भी चीज़ें मुझे यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना मैं कुछ कुछ पेड़ वगैरह सब लगा दूंगा। लाइक अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो मैं नारियल के पेड़ बेसिकली यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, उसकी लुक यार यहाँ पर अच्छी लगेगी भाई। तो फिर यार मैं यहाँ पर दो नारियल ले आऊँगा और दो लाइटें मैं बना करके ले आता हूँ। तो ठीक है चलते भाई, ये सारी चीज़ें मैं ले करके आता हूँ और अपने पेट हाउस को मैं यहाँ रख देता हूँ। अगे सर ये इसके लिए काफ़ी परफेक्ट, वैसे परफेक्ट प्लेस तो है नहीं, मैं इसको अपने घर के बगल में रखूँगा, बट यार फिलहाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो यार ये वाले चेस्ट पड़े हुए हैं। और लाइट अपना इतना काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बाकेट जगह नहीं भाई, देख रहे हो भाई। तो फिलहाल यहाँ पर जिस जिस चीज़ की नीड है एटलीस्ट मैं उतनी चीज़ें यहाँ से लेकर के चलता हूँ। ऑल राइट गाइस, फिलहाल यहाँ पर मुझे जिस जिस चीज़ की नीड थी उतनी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ले चुका हूँ। और आई थिंक यार मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये वाला जो एपिसोड है वो कुछ ज़्यादा यहाँ पर लंबा हो चुका है, तो गाइस यार बुरा मत मानना यार, आज के एपिसोड यार आई थिंक यार कुछ ज्यादा ही लंबी यहाँ पर हो चुकी है। मुझे तो लग रहा है भाई, पता नहीं यार हो सकता भाई ये लंबा हो जाए, बट यार मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, हो सकता भाई उतने ही टाइम का हो यहाँ पर जितने मैं यहाँ पर रोज अपलोड करता हूँ। तो ठीक है, एक लाइट अपनी यहाँ पर लग चुकी है, बाकी मुझे यहाँ पर लगाने भाई अपने कोकोनट को। तो ठीक है यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, आई मीन डर्ट यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ और अब भी नगर इसके अंदर मैं कोकोनट रख देता हूँ और इसको यहाँ पर प्लांट कर देते हैं। ठीक है यहाँ पर ये प्लांट हो चुकी है और एक कोकोनट को मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ। ठीक है ये वाले पास में ले लेता हूँ और एक और कोकोनट मुझे यहाँ पर चाहिए, तो भाई ये कोकोनट को मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ और इसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है ये यहाँ पर लग करके तैयार हो चुकी है और अभी जो मुझे यहाँ पर टेबल और चेयर बनाने की ज़रूरत थी ना, तो वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर यार कौन सी वाली टेबल थी, कौन सी वाली चेयर थी, बेसिकली मैं फिलहाल ये कॉफ़ी वाली टेबल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है ये भाई बेस्ट जगह है भाई इसे लगाने की। और लाइट ये यहाँ पर लग चुकी है और इसके बाद मुझे यहाँ पर लगाने भाई रेटन चेयर, तो रेटन चेयर को ना मुझे काफ़ी हिसाब से इस जगह पर लगानी है। तो ठीक है यहाँ पर चेयर लग चुकी है, टेबल लग चुकी है और मेरे पास जो ये स्ट्रीट लैंप है ना इससे मैं यहाँ लगाता हूँ। आई गेस यार ये इसके लिए बेस्ट जगह है या फिर ये वाली या फिर ये वाली, पता नहीं यार, मैंने एक स्ट्रीट लैंप को वहाँ पर भी तो नहीं लगाया। तो ठीक है यहाँ पर एक मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लाइटिंग का जुगाड़ हो चुका है, बस मुझे यहाँ पर एक और चाहिए यहाँ पर लगाने के लिए, या नहीं तो मैं यहाँ लगा दूंगा। तो ठीक है मुझे एक और की ज़रूरत है, या फिर मैं यहाँ भी तो लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं बेसिकली लगा दूंगा और मैं अगर यहाँ पर छोटी वाली दो दो लगा दूंगा। तो ठीक है वो जो गार्डन वाले आते हैं ना तो वो मैं यहाँ पर दो दो लगा दूंगा। बाकेट यहाँ पर मुझे और चीज़ लगाने की ज़रूरत आई थिंक यार नहीं है, और ग्रीन यहाँ से यार खुद में एक लाइट है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास लगाने की ज़रूरत है नहीं भाई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर ऑफलाइन लगा दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो आई थिंक यार हम लोगों को जितना काम आज यहाँ पर करना था ना उतना काम हम लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, अब यार यहाँ पर कोई भी काम बाकी है नहीं। तो फिर बस यार आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, आई होप यू गाइस कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को इन्जॉय किया तो फटाफट से लाइक कर देना, और अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, फटाफट से भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, मैं आप लोग के लिए ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया मजेदार कंटेंट लाते रहता हूँ। तो भाई लोग आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।